चलो ये देखें, ये हमारे पास बाल हैं, ठीक है। ये बालों में ना इस तरह से वेव है, ठीक है। ये जो ब्रश है ना, ये उसका क्यूने वालों की जो है ना लाहौर ब्यूटी कॉलेज, उससे आपको मिल जाएगा। इसके पीछे इस तरह से स्ट्रेंथ होती है, वैसे ये यूँ अंदर चली जाती है और फिर आपको पार्टिंग करनी हो तो ये बाहर आ जाती है। आपका जो बाल है आपने एक पतली सी स्ट्रेंथ लेनी है, एक इंच की, ठीक है। इस साइड वाले सुलझे हुए नहीं है, मैं इधर आपको बता देती हूँ। एक स्ट्रेंथ लेनी है एक इंच की, ठीक है। पोजीशन ये हो कि आपका जो बाल है यूँ सामने आए, सीधे हाथ में आपका ब्रश होगा, ठीक है। ये ब्लो ड्राई ब्रश, इसको आपने यहाँ से शुरू करना है कि वेव यहाँ से अंदर से निकलना चाहिए। ये उठा के रखना बाल, ताकि पता चले कि वेव कैसे निकल रहा है। ये सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूँ एक लट पे, ठीक है। अब आपने ये ब्रश रखा है और ये ड्रायर है आपके, सीधे हाथ में अब आपका ड्रायर आ जाएगा, उल्टे हाथ में आपका ब्रश है। ये दोनों की पोजीशन आप देख लें कि दोनों साथ चलने चाहिए, ये फुल पे। अब ये आपका ड्रायर और आपका ब्रश, ये साथ चलने चाहिए और आपने इसकी वेव को खोलना है, ब्रश के जरिए वेव को खोलना है। ब्रश और ड्रायर ये साथ साथ चलना चाहिए। तुम थोड़ा इस साइड पर खड़ी होकर वीडियो बनाओ, ये टेक्निक है ब्लो ड्राई की ना। आप इतने इतने बाल लेके ना उनको सीधा ब्लो करेंगे, ये अभी सिंपल ब्लो कर रहे हैं, लेकिन बाल बहुत मोटे लेंगे तो ब्लो ड्राई नहीं होगा आपका सही। और आपको सारी उसकी उलझने निकालनी है और बालों को सीधा करना, ठीक है। अगर आपका इनर है तो आपको इसको यही स्ट्रेंथ को आपने जब देखें इसकी सारी, ये सारा स्ट्रेट हो गया है, इसके सारे जो है ना कर्ल्स निकल गए। अब आपने इनर करना है तो आपने ये घुमा के इनवर्ट करना है, ठीक है, ऐसे। और अगर आपने आउटर करना है तो आपने ऊपर ब्रश रख के सारी स्ट्रेंथ को ऊपर की तरफ करके ऊपर की तरफ घुमाना है। इसको जब हम घुमाते हैं फिर ड्रायर लगाते हैं, और ज़्यादा ब्रशेज होंगे तो आप इसको लगा के ना छोड़ देंगे। जब आप इसको खोलेंगे तो फिर इसके अंदर स्टेप कट करके जो हम आउटर ब्लो ड्राई करते हैं उसके इस तरह से कर्ल्स आ जाएंगे। और अगर आपको ब्लो ड्राई से कर्ल्स डालने हैं, आपने इसको यूं करना है और यूं घुमाना है, और थोड़ी देर तक इसको ब्लो करके, एक मिनट का ब्लो करके आपने इसको एक मिनट छोड़ के फिर खोलना है, तो फिर आपके ये कर्ल्स बनेंगे, ठीक है। और इसके ब्लो ड्राई से पहले आपने हेयर मूव्स इस्तेमाल करना है, उससे आपका ब्लो ड्राई ज़्यादा स्टे करता है। दैट्स इट।